में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। आज बबीना में जियो ने लॉन्च किया अपना नया फोन, जिसमें एक जरूरतमंद महिला को जियो कंपनी ने पैसा न होने के अभाव में उसे जियो का एक नया फोन उपहार के तौर पर दिया। इस मौके पर ML असद हुसैन, JPM विवेक कुमार, JPAM मनीष साहू, DTR इदरीस खान, DTR अर्जुन ठाकुर मौजूद रहे। संवाददाता आरिफ मंसूरी के साथ रफीक राइन की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जियो ने अपना पहला हिंदुस्तान का सबसे सस्ता 4G फोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है जियो भारत। ये उन कस्टमर के लिए है जो अभी तक 2G में चल रहे थे और उन्हें 4G का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जो कि इतना महंगा मोबाइल नहीं ले सकते थे। उनके लिए जियो ने सिर्फ 1000 रुपए में ये फोन लॉन्च किया, जिसमें उन्हें मिलेगा जियो सिनेमा, जियो सावन जिसमें 8 करोड़ गाने हैं, जियो सिनेमा से वो सारी फिल्में देख सकते हैं और साथ ही UPI पेमेंट भी कर सकते हैं इसके द्वारा, और HD वॉइस कॉलिंग भी इसमें मिलेगी। इसका जो प्लान है वो भी सबसे सस्ता है, सिर्फ 123 रुपए का एक महीने में, जिसमें आपको एक महीने तक कॉलिंग फ्री मिलेगी और प्रतिदिन आधा GB डेटा भी मिलेगा। तो ये सोच किसकी थी? ये अंबानी साहब की सोच है, अंबानी साहब का ये विजन है कि हिंदुस्तान को 2G मुक्त करना है, सभी के हाथ में 4G फोन होना चाहिए, सभी के पास एक अच्छी क्वालिटी का फोन हो जिससे वो लोग अपने घर वालों से कनेक्टेड रहें और दुनिया से भी कनेक्टेड रहें, न्यूज के द्वारा और इंटरटेनमेंट भी अपना कर सके, जियो सिनेमा के द्वारा।